हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 7 की, जो कि है पी ब्लॉक। आप लोगों ने बहुत पेशेंटली इस चैप्टर का वेट किया हुआ है, तो बिना देर की वो चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो दोस्तों, क्लास 12th में जो पी ब्लॉक दे रखा है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। तो ये हमें चार ग्रुप पढ़ने हैं, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 ऑलरेडी 11th क्लास में। तो जब हम कभी 11th क्लास का पी ब्लॉक बनाएंगे उन दोनों ग्रुप्स को तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को पी ब्लॉक या फिर पीरियोडिक टेबल का एक आपको आइडिया देता हूँ इन जनरल, ताकि क्या होगा, हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स में या फिर सारे ग्रुप्स में जो है एक तरह से सेम ही होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में समझते हैं स्पेशली पी ब्लॉक के लिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 15। ठीक है, तो ऐसे समझो कि आपने देखी होगी पीरियोडिक टेबल, इस साइड पर राइट हैंड साइड पे क्या होता है, राइट हैंड साइड में होता है हमारा पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक में वो कहाँ कहाँ से आता है, पी ब्लॉक होता है आपका स्टार्ट ग्रुप नंबर 13 से, ग्रुप नंबर 13, फिर ग्रुप नंबर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17 एंड देन फिर 18। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 में देखो आपको पता होगा क्या क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ये ग्रुप 13 हो गया। ग्रुप 14 में हमारे पास में क्या है, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ग्रुप 15 में हमारे पास में क्या है, वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। उसके बाद में जो 16 आएगा वो ऑक्सीजन वाली फैमिली, उसमें क्या क्या है, उसमें देखो है आपका ऑक्सीजन, सेलेनियम, टी एंड पोलोनियम। और ग्रुप 17 जो किया गया हमारे हैलोजन, तो उसमें है सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक है ये 18। अब आ जाते हैं नोबल गैसेस पे, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक्चुअली मैं ऊपर लिख देता हूँ 18 को, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो 18 में सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है हीलियम, हीलियम, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनन, रेडॉन। तो देखो ये है हमारा सिंपल सा पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक के इधर डी ब्लॉक है, उधर एस ब्लॉक है, तो ये आप लोगों को पता ही है। अब हमें पी ब्लॉक का मतलब क्या है, मेन मतलब ये है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है मतलब कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाएगा, वो जाएगा आपका पी सबशेल में। कैसे, जैसे कि अगर हम इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सारे एलिमेंट्स की, वो कुछ इस तरह से आती है, NS2, उसके बाद में NP126। 126 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम ग्रुप 13 की बात करेंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2NP1, मतलब इन सबकी NS2NP1 के हिसाब से आएगी, इसकी NS2NP2 के हिसाब से आएगी, इसकी NS2NP3 के हिसाब से आएगी, ऐसी 4, 5। और ये क्या होगा, हमारी जो नोबल गैसेस है उनमें आ जाएंगे सारे में NS2NP6। अब इसको देखो याद करने का तरीका क्या, तो आपको बहुत सारे लोगों को अलग अलग फ्रेजेस पता होंगे जो लोगों ने अलग अलग ट्रिक बना ली है कि इसको कैसे एलिमेंट्स को याद करते हैं। तो मुझे फिलहाल जो ट्रिक पता है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों को इससे अच्छी ट्रिक पता है तो आप लोग शेयर कीजिए आपस में एक दूसरे के साथ। तो देखो जैसे कि इसका है, इसका क्या है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। जो 14 है इसका देखो ऐसे कर सकते हो, सी से कैप्टन समझ लो, एस से सिंह समझ लो, जी से जी हो गया, और SN हमें पता है टिन है, और PB क्या है, लेड है। तो ऐसे समझते हो कैप्टन सिंह जी टिन पे, मतलब किसी ऐसे टिन शेड के ऊपर खड़े हैं कैप्टन सिंह हमारे, तो कैप्टन सिंह जी टिन पे, ऐसे करके समझ सकते हो उसको। ये वाले को देखो कैसे कर सकते हो, इसको ऐसे समझ लो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब BI से चाहे बेईमान समझ लो या भिखारी समझ लो, तो एक ये आपका याद हो गया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान। उसके बाद में देखो इसका क्या है, ऑक्सीजन फैमिली का ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो होता है चीटिंग करना, तो ऐसे उसको समझ लो ओल्ड साइज से टीपो, मतलब एलिमेंट को याद करने के लिए समझ लो, वैसे चीटिंग करना बहुत बुरी बात है। हम अच्छा देखो ग्रुप 17 का कैसे याद कर सकते हो, ये याद कर सकते हो आपका F फॉर जो फ्लोरीन है उसको समझ लो फुल, Cl को मतलब कलर समझ लो, Br को समझ लो ब्राइटनेस, तो फुल कलर ब्राइटनेस इन, AT समझ लो NETV, तो आजकल जो TV है वो बहुत सारे ब्राइट आ रहे हैं, तो फुल कलर ब्राइटनेस इन NETV, मतलब हर TV बहुत ब्राइट है आजकल। ऐसे अब जो आ गई आपके नोबल गैसेस, तो उनका तरीका क्या है, इनका है हीलियम का इसको ऐसे याद कर सकते हो हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना, सबकी जीरोक्स।
आर्यन को कुछ भी ऐसे रानी समझ लो, तो हीना नीना और करीना की जेरोक्स रानी ऐसे करके। तो अगला आप लोगों के पास में आई एम श्योर कि बहुत सारे अलग अलग तरीके होंगे उसको याद करने के, नहीं है तो ऐसे कर लीजिए जैसे मैंने बताया, और कुछ अच्छे हैं तो शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों का फायदा होगा। ठीक है, तो ये तो चलो बात हो गई इनके एलिमेंट्स को याद कैसे रखा जाए, तो अभी थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं। अब ऐसे समझो कि या जो हमें अगर ऐसे किसी ने पूछा कि इसका एटॉमिक नंबर कैसे है तो वो हमें कैसे याद करना है, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप लोग लगभग लगभग 30 तक तो सारे एलिमेंट्स याद ही कर लो, क्योंकि देखो जितने भी 30 में भी क्या होगा कि 20 से लेके जो आगे आएंगे वो आ जाएंगे डी ब्लॉक वाले, और वो जो 20 टू 30 वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यूज़ होते हैं कोऑर्डिनेशन में, जैसे कि हमने देखा था ना क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, तो ये सब अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़े थे। तो अगर आप 1 से लेके 30 तक एलिमेंट्स याद कर लोगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा उससे। तो और उसके बाद में क्या होगा, अगर आपको उतने ही पता है तो उससे क्या होगा, हम इन सबका देखो एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि जो मेरा सॉरी ये क्या है, बोरोन है, बोरोन है, ठीक है देख लेना। तो ये है आपका बोरोन, बोरोन का मुझे पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर है 5, किसका, बोरोन का, ठीक है। ऐसे कार्बन का आपको पता है 6 है, नाइट्रोजन का पता है 7 है, ऑक्सीजन का पता है 8 है, क्लोरीन का पता है 9 है, और नियॉन का पता है 10 है। अब देखो हम क्या करेंगे, जो उसके जस्ट नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स होंगे उसमें आप कुछ नहीं करो, सिर्फ प्लस 8 कर दो, तो उसका मतलब एल्यूमिनियम का कितना आया यहाँ पे 13, ऐसे सिलिकॉन का कितना आया, देखो 6 और 8 14, इसका कितना आया 14 से बताइए 15 ही आएगा बेटे, लेकिन 7 और 8 प्लस करेंगे तो भी 15 आ जाएगा। ऐसी देखो 8 और कितना प्लस करेंगे हम लोग यहाँ पे, 8 और 8 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा, ठीक है पता चल गया। तो हमने यहाँ पे सिर्फ कितना ऐड किया, हमने यहाँ पे ऐड किया 8। अब जो हम लोग नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए हम लोग ऐड करेंगे 18। तो देखो पहले हमने 8 ऐड किया था, हम 18 ऐड करेंगे, तो अगर 13 में मैं 18 ऐड कर देता हूँ तो कितना बचेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 और 8 11, 1 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे कितना जाएगा 1 और 8 तो 31, तो ये 31 हो गया। ऐसे देखो यहाँ पे करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, ये आपका 33 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, ये 35, ठीक है, और ये हो गया 36। तो हमने यहाँ पे कितना ऐड किया 18, उसका क्या करो नेक्स्ट एलिमेंट में फिर से एक बार 18 ऐड कर दो, तो यहाँ पे देखो अगर 18 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा आपका देखो 8 और 1 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 49, तो ये कितना होगा आपका 50, ये कितना होगा आपका 51, ये कितना होगा 52, ये 53, और ये कितना होगा 54, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो 33 है यहाँ पे, था 33 में अगर हम 18 प्लस करेंगे तो अभी कितना आ जाएगा 51। तो आपने देखो पहले के लिए 8 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, अब हम कितना ऐड करेंगे, अब हम ऐड करेंगे लास्ट वाले के निकालने के लिए 32, देखो 49 और 32 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 11 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 8, तो ये आएगा आपका 81, तो ये कितना हो जाएगा, अपने यहाँ पे देखो 50 में हम लोग 32 ऐड करेंगे तो कितना होगा 82, ऐसे 51 में 32 ऐड करेंगे तो 83, ये 84, ये 85, और ये 86। तो बेसिकली क्या हुआ कि हम लोगों को, हमने सिर्फ अगर हमें स्टार्टिंग के कुछ ही पता थे तो उनकी हेल्प से हमने सेकंड सीरीज का निकालने के लिए 8 प्लस कर दिया, फिर 18 प्लस किया, फिर 18 प्लस किया, और फिर कर दिया 32। तो इतना ही मिलाने के बाद क्या हुआ, हमें सबका पता चल गया एटॉमिक नंबर, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ से हमारा काम हो गया। और दूसरी बात, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं ये ग्रुप 13 है, ये 14 है, ये 15 है, तो इनका क्या, देखो सेकंड वाले एलिमेंट देख लो सबके, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना रहा 13, तो ये ग्रुप 13 हो गया। ऐसे सिलिकॉन का कितना रहा 14, तो ये ग्रुप 14 हो गया। फॉस्फोरस का 15 आ रहा है तो ग्रुप 15, 16 तो ये ग्रुप 16, तो इस तरह से इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग हटाते हैं, तो यहाँ से तो हमें पता चल गए सबके एटॉमिक नंबर। अब कुछ ऐसे जनरल ट्रेंड्स हैं जिनको हमें क्या करना है, याद रखना है, और वो हर ग्रुप में डिस्कस होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटॉमिक साइज की, चाहे एटॉमिक रेडियाई बोल दो, चाहे आयनिक रेडियाई बोल दो। तो सिंपली अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें, किसकी बात करें, एटॉमिक साइज की, तो साइज क्या होता है, जब हम लोग इधर से इधर जाएंगे मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज ध्यान रख लो वो होता है डिक्रीज, और जब हम कभी टॉप टू बॉटम जाएंगे मतलब इस एक ग्रुप में अगर हम साइज कंपेयर करेंगे तो वो क्या होता है, वो होता है इंक्रीज। ये बात आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब क्या होगा, ये सारी चीज़ों पे अप्लाई होगा कि कार्बन से बड़ा सिलिकन होगा, सिलिकन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से आर्सेनिक, और उससे बड़ा ये, तो ये क्या जनरल ट्रेंड है जो कि आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में काम करेगा। अब ये देख लेते हैं कि भाई साइज यहाँ पे डिक्रीज क्यों होता है, इधर इंक्रीज क्यों होता है। तो आप लोग सोचोगे यार यहाँ तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है साइज भी बढ़ना चाहिए, तो उसका देखो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले एक काम करते हैं, पहले इंक्रीज वाला समझते हैं, ठीक है, ये वाला को पकड़ के एग्जांपल समझते हैं। देखो बोरोन है, अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर आपने देख लिया 5, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लूँ तो कितना आएगा, देखो 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अगर यही एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लूँ तो कितना आएगा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2
3p1, तो काउंट कर लो, दो और दो चार और ये सिक्स, 10 हो गया, 10 और टू 12 और वन 13। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखो क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि हम यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो n है, या फिर जो हम लोग शेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सेकंड शेल में थे, यहाँ पे हम थर्ड शेल में आ गए, मतलब एक शेल ही बढ़ गई। जब एक शेल बढ़ गई एटम के बाहर, तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपका साइज बढ़ जाएगा, किसका, एटम का, ठीक। तो ऐसे जब हम लोग उसके नीचे आएंगे तो अब ये आपका 4s2 4p1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर यहाँ पे 5s2 5p1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे 6s2 6p1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, जैसे कि इसमें समझो, इसमें क्या था, बोरॉन में सिर्फ ये न्यूक्लियस था मान लो, तो एक शेल और दो शेल ही थे, ठीक है। अब एल्यूमिनियम में क्या हुआ, न्यूक्लियस तो भाई रहा, एक शेल, दूसरा शेल और एक और तीसरा शेल ऐड हो गया। तो हमेशा आपको, तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि शेल बढ़ गया तो साइज बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब भी हम कभी टॉप टू बॉटम जाते हैं, चाहे आप ये पी एस ब्लॉक की बात करो, डी ब्लॉक की बात करो, कोई भी ब्लॉक की बात करो, साइज हमेशा टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों होगा, तो ये बात थोड़ी सी समझने की है, तो वो भी देखो ऐसे ही समझ लेते हैं। एक काम करते हैं, अब हम बोरॉन और कार्बन, ठीक है, इनका कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बोरॉन की आपके सामने लिखी हुई है, कार्बन की हम लिख देते हैं। तो देखो कार्बन में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p2, देखो हो गया 6। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो कोई शेल तो बढ़ी नहीं, पी पहले यहाँ पे भी था, पी पहले यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ एक प्रोटॉन भी बढ़ा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनाऊँ, किसका, एटम का, तो देखो उसमें क्या होगा, एटम्स में प्रोटॉन होते हैं, राइट, ये न्यूक्लियस है, तो अगर ये हमें बोरॉन का है तो यहाँ पे कितने होंगे, मेरे पास 5 प्रोटॉन्स होंगे और 5 न्यूट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, तो अभी उनको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे समझते हैं 5 प्रोटॉन है, और 5 प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, बाहर देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ठीक है। तो 5 प्रोटॉन कुछ अपना क्या करेंगे, ऐसा फोर्स लगा रहे हैं जिससे कि क्या हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वो हट, मतलब वहां पे जो है उस फोर्स की वजह से वहां पे एक एटम के पास में है। अब आपके क्या हुआ, देखो सपोज शेप वही रही, 5 प्रोटॉन की जगह होगा यहां पे 6 प्रोटॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी एक बढ़ गया। लेकिन अब क्या होगा कि देखो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, देखो साइज तो वही रहा, जब साइज वही रहा तो जो हमारा प्रोटॉन की एक तरह से अट्रैक्टिंग पावर है, जो भी प्रोटॉन की एक फील्ड है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है, वो क्या हुई, वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, देखो इसकी भी साइज वही रहा यार, पहले 5 प्रोटॉन अपना यहाँ पे एक इफेक्ट ला रहे थे जिससे इलेक्ट्रॉन रुके हुए थे, अब वहां पे क्या हुआ, 5 की जगह 6 प्रोटॉन आ गए, 6 प्रोटॉन आ गए, इसका मतलब क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन पे अब और ज्यादा अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो ये क्या करेंगे, और पास आ जाएंगे न्यूक्लियस के। बात आई समझ में, ऐसे समझो कि यहाँ पे पहले क्या थे, 5 पहलवान बैठे हुए थे, वो क्या कर रहे थे, लोगों को पकड़ के खींच रहे थे अपनी साइड, ठीक है। तो आगे के जो 2 थे उन पर डेफिनेटली ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि वो पास में है, लेकिन अब उन 5 पहलवान की जगह 6 पहलवान आ गए, और अब वो क्या करेंगे, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है उनको भी तेजी से खींचेंगे, और जो बाहर वाली शेल है उसको भी अपने पास में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से क्या होता है कि साइज, जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज डिक्रीज होता चला जाता है, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये एक टर्म है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो क्या है, बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, साइज हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। तो ये हर किसी में काम आएगा, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया साइज के लिए, तो उसको हटाते हैं, तो आपको पहली बात साइज की पता चल गई। नेक्स्ट ट्रेंड क्या है हमारा, नेक्स्ट ट्रेंड है लेट्स से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना या फिर उसके इलेक्ट्रॉन छीन के अपने पास ले आना, वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब लोगों ने जैसे देखा कि जैसे जैसे हम लोग इस साइड जा रहे हैं पी ब्लॉक की साइड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि देखो अगर जैसे हम हैलोजन की बात करें तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस बनने के लिए। जब इसको एक, जैसे कि फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन में कितना, 10 है, नियॉन नोबल गैस है, फ्लोरीन क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और ले ले तो बिल्कुल नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, और हर एटम स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो ये लोग क्या करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होगी। दैट मीन्स कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे, अगर हम लेफ्ट टू राइट गए तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होगी, और अगर टॉप टू बॉटम जाएं
तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से लूज हो सकते हैं। अब जो क्या करेगा, जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा है और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उतना नहीं रह पाएगा। तो इट्स मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा और अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे देखो मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, वो जस्ट इसका उल्टा होगा। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की एबिलिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी बढ़ रही है, तो वही तो मेटल की पहचान है कि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। ऐसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। तो हमने देखो यहाँ पर साइज की बात कर ली, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ली, हमने मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर ली। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा ट्रेंड शो करेगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जस्ट इसका उल्टा शो करेगी। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब थोड़ा सा और समझते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। देखो अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है और इधर से इधर जाएंगे तो डिक्रीज होगा। उसको भी जाने देते हैं, एक ग्रुप में समझते हैं कि टॉप टू बॉटम जो है अगर हम ऊपर से नीचे देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट तो वो हमेशा इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, देखो किसी भी चीज़ को बॉयल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी, बराबर है, तभी जाके वो बॉयल होगा। अब ऐसे समझो कि अगर हम जो है वेट का कंपैरिजन करें, जैसे हम देखो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक वेट भी है, फिर जो हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है। अगर हम देखो ये एल्यूमिनियम का देखें तो उसका कुछ तो 26 या 27 आएगा एटॉमिक मास, जबकि इसका बोरोन का कितना आएगा, करीब 10-11 के आसपास आएगा। तो अगर हम क्या करें, एक मॉलिक्यूल या फिर एक मोल बोरोन लें और एक मोल एल्यूमिनियम लें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होंगे, कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। इसका मतलब इसके भी पार्टिकल्स इतने ही हैं, इसके भी अगर हमने 10 बोरोन के पार्टिकल लिए और 10 एल्यूमिनियम के पार्टिकल लिए तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम के जो 10 पार्टिकल होंगे वो हैवी होंगे और किसी भी हैवी चीज़ को बॉइल करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सिंपली बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम हमेशा इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि मास इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो बात हो गई बॉइलिंग पॉइंट की, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऐसा ट्रेंड फॉलो नहीं करता है। मेल्टिंग पॉइंट जनरली टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इंक्रीज ही हो। ठीक है, तो वो किस किस केस में कैसा होता है, तो जब हम अभी ग्रुप 15 की बात करेंगे तो वहाँ पे आराम से बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट तो बस याद रख लो कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा ही होगा। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा कि अलग अलग एलिमेंट्स के हिसाब से हम बताएंगे आपको कि कब इंक्रीज हो सकता है, कब डिक्रीज हो सकता है, वैसे चलेगा। ठीक है, तो यार अब देखो इसको सबको हटाते हैं, अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने ग्रुप 15 पे जो कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस सबको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इतने सारे यहाँ पे एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो पहले बात कर लेते हैं देखो सोर्स की, कि हमें ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो सोर्स हमें पता है, जो नाइट्रोजन है वो 78% अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में 78% जो गैसेस हैं उसमें क्या है, नाइट्रोजन है आपकी। तो नाइट्रोजन आपको एटमॉस्फेयर से मिल सकती है, उसके अलावा कहाँ कहाँ से मिल सकती है, वो मिल सकती है आपको सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में NaNO3 या फिर पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्म में KNO3, इसके फॉर्म में भी मिल सकती है। वो ये क्या है NaNO3, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट पीटर। और ये जो है KNO3 इसको बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर। अब देखो ये क्या है यार, एक्चुअली क्या है, ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये मैंने थोड़ा सा देखने की कोशिश की भाई इसको इंडियन सॉल्ट पीटर क्यों बोलते हैं। तो अगर हम ऐसे बहुत पुराने टाइम के, ऐसे लगभग ऑलमोस्ट 300 साल पुरानी बात करें, मतलब 1700 के टाइम पे इंडिया जो है अपने कंट्री से ये चीज़ एक्सपोर्ट होती थी, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग स्पेशली ख़रीदने आते थे यहाँ से सॉल्ट पीटर। क्यों, क्योंकि इसका बनता है गन पाउडर। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसका नाम पड़ गया तब से, क्योंकि इंडिया से सबसे ज़्यादा ये बनता था, अभी भी बनता है। तो सिर्फ कंट्री की वजह से उन्होंने क्या बोल दिया, जो सॉल्ट पीटर को बोल दिया इंडियन सॉल्ट पीटर, जो कि क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसलिए आपको देखो नाइट्रोजन का सोर्स मिल गया, एटमॉस्फेयर मिल गया, NaNO3 मिल गया, KNO3 मिल गया। ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजन देखो कहाँ कहाँ से मिल सकती है, नाइट्रोजन मिल सकती है आपको ऑर्गेनिक चीज़ों से भी मिल सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स से मिल सकती है। कैसे, प्रोटीन्स, जितने भी प्रोटीन्स हैं
वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं अमाइनो एसिड से, और हर अमाइनो एसिड किसका बना हुआ है, नाइट्रोजन का। तो जितने भी प्रोटीन्स हो गए हमारे, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, सब में नाइट्रोजन है, और वहाँ से क्या कर सकते हैं, वहाँ से भी हमें नाइट्रोजन मिल सकती है। ठीक, तो ये तो बात हो गई नाइट्रोजन की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन में और क्या लिख सकते हैं, प्रोटीन्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखो बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस क्या मिलता है, फॉस्फोरस एक हमें एक मिनरल से मिलता है, इसको बोलते हैं हम एपेटाइट फैमिली। तो एपेटाइट फैमिली मतलब एक पूरे एक मिनरल्स की फैमिली है जहाँ से हमें फॉस्फोरस मिल जाता है। उसके अलावा फॉस्फोरस देखो, फॉस्फोरस रॉक्स से मिल सकता है, फॉस्फोरस रॉक्स। उसके अलावा कहाँ पे बताए, ये एग हो गया, मिल्क, बोन्स, इन सब में भी क्या होता है, फॉस्फोरस का अच्छा खासा अमाउंट होता है। उसके अलावा ये जो तीन रह गए अपने, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो ये क्या मिल सकते हैं, ये जो है सल्फाइड, तो ये जो है सल्फाइड मिनरल्स के साथ में मिल जाते हैं हमें। तो मतलब जैसे आर्सेनिक सल्फाइड के फॉर्म में, या फिर एंटीमनी या बिस्मथ क्या कर सकते हैं, आराम से सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकते हैं हमें। ठीक है, सल्फर के साथ अटैच्ड, सल्फर के मिनरल्स के फॉर्म में। ठीक, तो ये इनका सोर्स हो गया। तो अगर एग्जाम में मोस्टली सोर्स अगर नाइट्रोजन का आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या फॉस्फोरस का आ सकता है, बाकी इनका कोई नहीं पूछेगा। तो सोर्स को यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। तो हमारा सोर्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ इन सब का। सोर्स के बाद में आप देखो आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो सबके लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन का हमें पता है क्या होगा, देखो ये होगा आपका 1s2, 2s2, 2p3। तो हो गया कितना, 7 हो गए। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पे नोबल गैसेस लिखूँ, तो देखो पहले हीलियम थी, फिर यहाँ पे नियॉन आ रही है, फिर यहाँ पे आर्गन आती है, फिर क्रिप्टन, फिर ज़ीनन और रेडन। ठीक है, तो ये जो हीलियम थी इसका एटॉमिक नंबर था 2, इसका कितना आएगा आपका 10, क्योंकि हमने 8 प्लस कर दिया। उसके बाद में 8, फिर से 8 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, फिर 18 में 18 प्लस करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 में फिर से 18 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 54 में हम लोग कितना फाइनल एड करेंगे 32, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 86। तो अगर देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो ये है हीलियम है, इसका क्या होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो इसको अगर 1s2 को मैं रिमूव करके यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, हीलियम एची, और ये अब ऐसे जैसे फॉस्फोरस की मुझे लिखनी है तो मैं क्या करूँगा, पहले तो लिख दूंगा नियॉन। नियॉन का मतलब क्या हुआ कि मेरा 10 इलेक्ट्रॉन की कन्फिगेशन, मैंने इसे नियॉन को ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन की कन्फिगेशन ये लिख दी, उसके कितने बचे, 5 बचे, वो फिर मेरे ऐसे आ जाएंगे 3s2 3p3। देखो कितना 10 ही हो गए और 5 ही 15 हो गए, ऐसे करके लिख दिया। उसके बाद में नियॉन के बाद में कौन से आ रहे हैं गैस, आपकी आर्गन आ रही है, तो अगर मुझे आर्सेनिक का लिखना है तो मैं करूँगा यहाँ पे आर्गन लिख दूंगा। आर्गन लिखने का मतलब मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स, देखो कि कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गई, 18 की कंप्लीट हो गई, अब कितने बचे यहाँ पे, 18 के बाद में देखो कितने बचे हुए हैं सर, तो 18 के बाद में देखो 15 इलेक्ट्रॉन्स और बचे आपके, 18 तक तो यहाँ से इसने कंप्लीट कर लिया, 15 और इलेक्ट्रॉन करने के लिए अब देखो क्या होगा, मुझे पता है कि अब हम लोग जो है फोर्थ शेल में आ गए। देखो यहाँ तक देखो यहाँ पे सेकंड शेल में थे, यहाँ पे थर्ड में थे, अब फोर्थ में आ गए, तो उसका मतलब फोर्थ शेल को बन हम लोग जब आ गए तो इसका मतलब हमारा जो डी है वो भी अब फिल्ड होगी। तो इसका मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे फिल करेंगे 3d10, उसके बाद में कितना आ जाएगा आपको 4s2 4p3। तो देखो कितना होगा, 10 और 5 15 ही होगा, 15 प्लस आर्गन 18 ले लिया था, तो 15 और 18 हो गए आपके 33। तो उसकी कंफिगरेशन ऐसे हो गई। नेक्स्ट वाला देखो sp है, तो sp के लिए हम लोग क्या क्रिप्टन ले लेंगे, तो हमने kr यहाँ लिख दिया, kr जब यहाँ पे लिखा तो हमारा 36 तो यहाँ से हो गया। अब बाकी के कितने बचे देखो, उसके बाद फिर से 15 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4d10 5s2 5p3। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला रह गया बिस्मथ। बिस्मथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़ीनॉन लिख दिया हमने यहाँ पे, ज़ीनॉन लिख दिया, तो उसका मतलब हमारा 54 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, जबकि इसका है कितना टोटल 83, तो कितने बचे हमारे पास में 19 इलेक्ट्रॉन और बचे। तो 19 इलेक्ट्रॉन अब देखो कैसे करेंगे हम लोग, अब किस में आ जाएंगे, फिफ्थ के सिक्स शेल में आएंगे। सिक्स शेल में जब हम लोग एंटर करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि फोर में डी आने के बाद बाद फोर्थ शेल में हमारा एफ सब शेल भी आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे फिल करेंगे 4f, और f में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन तो हमारे ये हो गए। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा 5d आएगा, 5d में 10 कर देंगे, फिर आ जाएगा आपका 6s2 6p3। अब वो ऐड कर लो, 14 और 10 कितना हुआ 24, और 24 में 2 ऐड किया अपना कितना हुआ 26, और 26 प्लस 3 29। तो अगर देख लो हम लोग 54 प्लस 29 अगर हम करेंगे तो कितना हो गया देखो,
83 तो आप इस तरह से इसकी जो है सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से नोबल गैस की हेल्प से। ठीक है, ये हुई आपकी बात। अब यहाँ पे जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और आने वाला है, वो आने वाला है जो आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये क्या है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। तो अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग आए ये वाले इसमें कैसे आए, तो आर्सेनिक की बात से हमने देखा कि जो है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ सब में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डी शेल में जा रहे हैं, यहाँ तो जाके एफ डी सबशेल में जा रहे हैं, उसके बाद एफ सबशेल में भी जा रहे हैं। तो जो हमारी डी सबशेल होती है और जो एफ सबशेल होती है, इनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है। अब शील्डिंग पुअर क्या होती है, देखो ऐसे समझाते हैं, ऐसे समझो यहाँ पे कि ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में आपको पता है, न्यूक्लियस थोड़ा ख़राब है, अच्छा सा बना देते हैं। ये मानो एक न्यूक्लियस है, इसमें आपको पता है कि प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है बहुत सारा, जितने भी उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब क्या होगा, इसके बाहर एक शेल होगी, उसके बाहर एक और शेल होगी, ठीक है, उसके बाहर एक और शेल होगी। तो जैसे हम लोग थर्ड शेल में आए, थर्ड शेल में क्या होता है, डी सब शेल भी आ गई। तो जो डी सब शेल होती है, जैसे कि आपको पता है कैसी होती है, वो डबल डंबल शेप होती है, जैसे कि हमने पहले ऐसे बना के दिखाई थी। तो अभी क्या है कि अब डी सब शेल के बाद भी हम लोग जैसे इसमें आए, फॉर एग्जाम्पल अब हमारा किस में आ गया, हम लोग फोर्थ में आ गए, तो 1 2 3 इसके आगे एक और फोर्थ शेल है। तो फोर्थ शेल में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, एस में जा रहे हैं और पी में जा रहे हैं। आपको पता है स्फेरिकल होती है और पी कैसी होती है, टेम्पल शेप। तो अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पे, ये क्या प्रोटॉन्स है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन दोनों के बीच में डेफिनेटली अट्रैक्शन रहेगा कुछ ना कुछ। लेकिन जो ये डी शेल आ गई, अब यहाँ पे देखो ऐसा समझो, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये समझो कि जो फर्स्ट वाले में जो एस सब शेल होगी उस पर इलेक्ट्रॉन, इस पर जो प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा। उसके जो सेकंड शेल होगा तो उस पर भी क्या होगा, उस पर भी देखो अट्रैक्शन हो रहा होगा। देखो सेकंड शेल में हमारे पास क्या होता है, एस होता है और पी होता है, तो हम देखते हैं 2s और 2p। थर्ड वाले में क्या हो जाता है, s भी होता है हमारे पास में, p भी होता है और d भी होता है, जैसे हमने यहाँ बना के दिखाया। तो अभी क्या होता है यार कि जो d सब शेल है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो s हमारे पास में सब शेल्स हैं, ये क्या करेंगे, जो भी न्यूक्लियस का चार्ज है उसको एक तरह से रोक के रखेंगे। वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि सारा जो है हम ही अच्छे से न्यूक्लियस के अट्रैक्ट होते रहें, बाकी जो बाहर की चीज़ें हैं वो उतने अच्छे से अट्रैक्ट ना हो पाए। उसके बाद में क्या होगा, ये वाला फिर एस और पी क्या कोशिश करेंगे, ये और कोशिश करेंगे कि हम जो है जो न्यूक्लियस का चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो हम लोग अपने तक ही रखें और बाहर तक ना जा पाए। लेकिन जो डी और एफ होती हैं, कौन कौन सी, ये वाली एफ और डी, डी और एफ जो हमारी सबशेल्स होती हैं, ये बहुत ही पुअर शील्डिंग शो करती है। मतलब ये क्या करती हैं, जो जो न्यूक्लियस का चार्ज है या फिर जो न्यूक्लियस की एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, उसको ये मतलब रोक नहीं पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग क्या देखें कि इस डी की वजह से क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, अगर ये डी की जगह एस होता तो। देखो फिर से समझो, बात को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो डी सबशेल है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन का जो एबिलिटी है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रही है, और उस वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर नॉर्मली इस डी की जगह पे क्या, अगर हम इसमें और इसमें कंपेयर करें, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो एस है वो कोशिश कर रहा है कि हम जो है इलेक्ट्रॉन्स जो भी जो कि प्रोटॉन्स की एबिलिटी है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, उसको कम कर दें। मतलब हम जो क्या करें, सारा का सारा न्यूक्लियस चार्ज को शील्ड कर लें। ये शील्ड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, किसी को किसी चीज़ का मतलब रोक लेना। तो ये क्या कर रहा है, एस जो है न्यूक्लियस के जो जो चार्ज है वो उसको बाहर जाने से रोक रहा है, उसके बाहर वाला क्या कर रहा है, और बाहर जाने से रोक रहा है। लेकिन जो डी है, डी और एफ है, ये क्या करते हैं, उसको शील्ड नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, किसके, न्यूक्लियस के चार्ज को। जब यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज प्रॉपरली शील्ड नहीं होगा, तो उसके भी बाहर वाली जो शेल होगी उसके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे या फिर टाइटली अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस की तरफ। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यार, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो यहाँ पे जो एस में इलेक्ट्रॉन है और पी में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे मान लो देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसी देखो पी में भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड है वो। जब वो न्यूक्लियस से उनका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे। बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो बॉन्डिंग नहीं करना चाहेंगे, बॉन्डिंग नहीं करना चाहेंगे। तो एक तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, उनको इनर्ट, कोई चीज़ बॉन्डिंग नहीं कर रही है,
किसी रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रही है, तो जैसे हमने बोल दिया उसको कि ये इनर्ट हो गया, तो इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आपका डी एंड एफ सबशेल की वजह से। तो ड्यू टू डी एंड एफ सबशेल या फिर ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ सबशेल, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और फिर आर मोर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉट ईजी टू रिमूव दोस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इट इज नॉट ईजी फॉर देम टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो देखो बॉन्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन शेयर तब होंगे जब इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत फ्री होंगे। अब क्या हुआ, डी और एफ के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड कर पाए, न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर लीक होने से रोक पाए। न्यूक्लियस का चार्ज बाहर लीक हो रहा है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ में अच्छे से बाइंड कर रहे हैं या फिर अच्छे से न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, अच्छे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो किसी भी बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे क्योंकि उनके ऊपर क्या है, न्यूक्लियस का फोर्स है। तो इसी को बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब मैंने आपको इतनी कहानी तो सुना दी, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखो फर्क पड़ेगा जब जब हम बात करेंगे यहाँ पे आयनिक रेडियाई की, कोवेलेंट रेडियाई मान लो या फिर कोई भी आयनिक रेडियाई मान लो, ठीक है। तो मैं सिंपली रेडियाई लिख देता हूँ, ठीक है, दोनों समझ लो, कोवेलेंट या फिर आयनिक कोई भी, जो भी आपका मन करे। तो देखो क्या होगा, जब हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जाएंगे तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता ही है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जो है साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम इसका इन दोनों का साइज में डिफरेंस की बात करें, कौन कौन सा, देखो आर्सेनिक और एंटीमनी का, आर्सेनिक और एंटीमनी का देखेंगे तो यहाँ पे देखो डी आ गई, डी की वजह से शील्डिंग पुअर होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स है बाहर वाले वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और उसकी वजह से साइज छोटा हो जाएगा। क्योंकि देखो ना इस पर ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन के पास जाने की कोशिश करेगा, पास जाने की कोशिश करेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। तो भले ही Sb जो है, जो हमारा एंटीमनी है, उसका साइज आर्सेनिक से बड़ा है, बट इतना डिफरेंस नहीं है जितना इन दोनों में था डिफरेंस, ठीक है। तो इसी रीजन है कि हमारे बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट जो इन दोनों का साइज है वो उतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है जितना कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का साइज। तो आप कभी आपके एग्जाम में हो सकता है कि बाय द साइज डिफरेंस या फिर बाय द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ आर्सेनिक एंड बिस्मथ इज नॉट डिफरेंट दैट मच, तो वहां पर आप रीजन दोगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट या फिर सिंपली लिख दोगे ड्यू टू कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लग रहा है और साइज उसका डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक। तो सब कुछ इंक्रीज हो रहा है साइज, लेकिन डिफरेंस इतना नहीं है जितना नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का। आपके बुक में टेबल दे रखी है, वहां पे अगर आप साइज देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जबकि अपना जो है आर्सेनिक है और एंटीमनी है उनके साइज में इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक। तो ये हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अच्छा एक बात और मैं बता दूं इसमें कि जितने भी आयनिक रेडियाई हैं उन किसी को भी देखो याद करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट आपको कोई भी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है कि आयनिक रेडियाई कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू कितनी है, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कितनी है, ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ एक ट्रेंड याद रखना है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कैसा होगा। तो हमें ट्रेंड पता है कि जब भी हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, बट देन साइज इंक्रीज तो होगा लेकिन उसमें कहीं पर इंक्रीज कम है, कहीं पर इंक्रीज ज़्यादा है, तो वो क्यों, वो हमें पता होना चाहिए। तो सिर्फ एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे यही पूछने की कोशिश करेंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको बोलेगा कि नहीं भाई मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए कि इसका आयन का साइज कितना होगा, ठीक है। तो कोई भी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे किसकी बात कर ली, हमने यहाँ पे रेडियाई की बात कर ली और इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट के लिए इसको देखो सबको इरेज करते हैं, सबको नहीं बस उतना ही इरेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर कुछ लोग उसको आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है इसको भी समझ लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब अगर हम एक एटम ले जिसके आसपास कोई भी एटम नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई भी दूसरा किसी और एटम का इन्फ्लुएंस नहीं है उसके ऊपर, और अगर हम उसको गैसियस फॉर्म में ले तो उसका जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या फिर उस एटम से हटाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जैसे इसमें समझो, इसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास में 5, सब में भी मतलब आउटर मोस्ट शेल में सबके 5 ही हैं ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, जैसे हमें इसको क्या करना है, एन प्लस वन लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा 2s2 2p2, मतलब हमने क्या किया, पी का एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया। तो उस पी के एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे बात है कि अगर मैं देखो उसको ड्रॉ करूँ,
तो ये हो गया 2s, थोड़ी देर के लिए मानो ये हुआ 2p, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो s में तो दो इलेक्ट्रॉन है, आप तो देख ही रहे हैं, p में कितने हैं, तीन इलेक्ट्रॉन। तो एक तरह से p क्या है, हमारी हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड हमें पता है, हाफ फील्ड जितनी भी हमारी ऑर्बिटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो इसका मतलब अगर आपको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हटाना है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक। विच मीन्स क्या होगा कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इतना ही न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो रहा है, कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिलीज हो जाएंगे या फिर आसानी से हट जाएंगे वहां से। तो जितनी भी एनर्जी एंथैल्पी की बात करें तो हम वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। तो एनर्जी एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। रीजन क्या आप दोगे, आप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। अच्छा, अगर यही पे देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम नाइट्रोजन से पहले वाले ग्रुप पे आए, मतलब ग्रुप 14 पे आए, तो नाइट्रोजन से पहले क्या होता है, यहाँ पे कार्बन सिलिकन जो था तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी और इसकी कंपेयर करें तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की बहुत ज्यादा हाई होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप 14, क्योंकि ग्रुप 14 में क्या होगा कि पी में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हाफ फील्ड नहीं हुई, जबकि ग्रुप 15 क्या है, पी में तीन इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड में बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो अगर हम इन दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो नाइट्रोजन वाले ग्रुप मतलब 15 ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 14 ग्रुप, ठीक। तो यहाँ से हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स, ठीक। तो ये हो गई आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात। आप कभी कभी आप लोग देखोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर बुक की बात करोगे अपने, तो वहां पर लिखा होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी 3, मतलब जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हो गई आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, फिर दूसरा निकाला तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, तीसरा निकाला तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 3। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते जाएंगे आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। जैसे देखो आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपने मान लो उसको IE1 लिख दिया, तो इसमें कोई ना कोई फिर से बना देते हैं, तो आपने जैसे पहला इलेक्ट्रॉन हटाया यहाँ से तो आपको एनर्जी देनी पड़ी, उसे जब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाया तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो उससे भी ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि आप देखो प्रोटॉन तो वही रहे जितने थे उसमें, तो अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन का पर इलेक्ट्रॉन अगर हम चार्ज देखें तो बढ़ जाएगा, तो दूसरा निकाल इलेक्ट्रॉन हटाने में आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी, मतलब और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम तीसरा निकालें तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो 3 होगी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी 2 से, और 2 की वैल्यू हाई होगी 1 से। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी सारे हमारे जितने भी पी ब्लॉक है सब में एक ही जैसा काम करेगी, हमें पता है टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 2 से ज़्यादा होगी और 2 1 से ज़्यादा होगी। तो ये बात है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हटाते हैं यहाँ से। आप उसके बाद आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप ही कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात खत्म करते हैं यहाँ पे, और सारे इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी हटा देते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक चीज और मैं जो बताना भूल गया था, इस ग्रुप में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों कैसे हैं, नॉन मेटल है, आर्सेनिक और एंटीमनी ये क्या है, मेटलॉइड है, और ये क्या है, बिस्मथ, ये है मेटल। तो मेटलॉइड क्या होते हैं, मेटलॉइड्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बीच की प्रॉपर्टीज शो करें, ठीक है, तो वो हो गए मेटलॉइड। तो इस ग्रुप में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नॉन मेटल, आर्सेनिक, एंटीमनी, मेटलॉइड एंड बिस्मथ क्या है, मेटल है। तो अब बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको यही हो गया कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड एंड बिस्मथ इज मेटल, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात करते हैं अगर हम लोग इसकी बॉइलिंग पॉइंट की, तो हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनक्रीज डाउन द ग्रुप, ये हमने आपको पहले ही बताया था। और इंक्रीज क्यों हुआ डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज जो है, मास जो एलिमेंट्स का है वो बढ़ रहा है, तो मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब उसके बाद बात आ जाती है सारी की सारी मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा कि, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अप टू आर्सेनिक, अप टू आर्सेनिक क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब नाइट्रोजन से ज्यादा फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट होगा, फॉस्फोरस से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा आर्सेनिक का, और फिर डिक्रीज होगा, मतलब आर्सेनिक से कम होगा बिस्मत, आर्सेनिक से कम होगा एंटीमनी का, एंटीमनी से भी कम होगा बिस्मत का।
तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ट्रेंड उल्टा क्यों हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का क्या हो रहा है कि अप टू आर्सेनिक तक तो इंक्रीज हुआ वो, लेकिन फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो आप ऐसे समझो, जो बात मैं पहले नहीं बता पाया था वो अब बता रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या यार कि जो भी देखो सॉलिड है, सॉलिड कब कोशिश कब बनती है जब उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें किसी भी मेटल को या फिर किसी भी सॉलिड को मेल्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके बीच के जो इंट्रैक्शंस है या उनके बीच के जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है सिर्फ उनको ब्रेक करना है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम किसी भी चीज़ के इंट्रैक्शन जिसकी वजह से वो चीज़ सॉलिड बन रही है अगर उसको ब्रेक कर दें तो क्या होगा, वही पॉइंट हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है ये इनमें क्या रहता है कि हम अगर देखें नाइट्रोजन क्या करेगा, N2 मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो वो N2 क्या है, आपको पता है कि ऑलरेडी वो गैस है नाइट्रोजन, जो हमारे रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो N2 इज़ अ गैस। लेकिन फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस P4 बना लेता है, तो उसकी वजह से क्या है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है, बाकी सारे ही सॉलिड है तो फॉस्फोरस में क्या है और ज़्यादा बॉन्डिंग शो करता है फॉस्फोरस, तो वो एक सॉलिड है। तो उसमें हमने क्या करा कि उन सारे कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा उसको मेल्ट करने, उसको मेल्ट करने के लिए। अब जैसे हम आर्सेनिक पे आए तो ये क्या हुआ, एक तरह का मेटलॉइड है जो कि नॉन मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो यहाँ पे भी क्या है कि कुछ अच्छे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी जाता है। लेकिन जैसे ही हम आर्सेनिक से एंटीमनी पे आए तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर से भाई हमारा आ जाता है इनर्ट पेयर पिक्चर में। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या नहीं कर पाएंगे, वो ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे या फिर ज़्यादा जो भी अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस हैं उनमें पार्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ रहना या फिर एटम के साथ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। इस वजह से जो जितने भी फोर्सेस हैं अट्रैक्शन वाले वो कम लगेंगे, कम लगेंगे तो क्या होगा कि तो ऐसे सॉलिड को मेल्ट करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे क्या है यहाँ पे फोर्सेस ज़्यादा होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट इज जस्ट कि हमें जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं एक सॉलिड के उसको हमें ब्रेक करना है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आर्सेनिक इंक्रीज होगा बट देन फिर डिक्रीज होगा। तो आर्सेनिक से कम होगा एंटीमनी का, एंटीमनी से भी कम होगा बिस्मथ का, क्यों, क्योंकि इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने इन सब के। तो ये बात थी मेल्टिंग पॉइंट की। और उसके अलावा और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमने आपको बता ही दिया कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल है। उसके अलावा नाइट्रोजन की एक और खास बात है, नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारे लोग क्या करते हैं एलोट्रॉप्स को शो करते हैं। एलोट्रॉप्स मतलब क्या हो गया कि अ डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, जैसे कि कार्बन में देखो ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, तो ये सारे क्या है ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स। तो यहाँ पे फॉस्फोरस अपने एलोट्रॉप शो करता है और भी एलोट्रॉप शो करते हैं, बट नाइट्रोजन जो है कोई भी एलोट्रॉप शो नहीं करता है। तो ये कुछ बात थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से हटाते हैं और आप बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। लिख देते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट है वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऐसे समझो। तो उसमें क्या रहता है कि कोई पर्टिकुलर एक चार्ज आता है, जो उस पर चार्ज आता है वही होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब जैसे कि हम नाइट्रोजन को लिखते हैं तो नाइट्रोजन का देखो क्या था हमारे पास में 1s2 2s2 2p3। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है इसमें, 2 वाली, राइट, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। तो अब देखो ये क्या क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर और ले ले तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये किसका नियोन के जैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन स्टेट -3 की शो कर सकता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ऑन द अदर हैंड क्या हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है पी वाले, या फिर पूरे के पूरे ही लूज कर दें, ये 2s2 2p3 तो कितने 5 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकते हैं। तो इन जनरल इस ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाएगी आपकी -3, +3 एंड +5। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन की पर्टिकुलर की बात करेंगे तो वो +1 भी शो करेगा, +2 भी शो करेगा और +3, +4, +5 सारी शो करेगा। तो मेन जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई वो गई -3, +3 एंड +5। अब हम इसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, कौन सी कम होगी जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे एक ग्रुप में। तो जो हमारा ये है -3 है, ये टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्यों, क्योंकि देखो नीचे जैसे जैसे हमारे ये मेटलॉइड हो गए, ये मेटल्स हो गए मेटलॉइड्स,
तो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और मेटल आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये क्या कहिए, इसका जो ये क्या वो डिक्रीज होगी, इसकी क्या स्टेबिलिटी जो है माइनस थ्री की वो डिक्रीज होगी, प्लस थ्री की जो है स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, कब, जब हम सब में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ठीक, और प्लस फाइव जो है वो भी डिक्रीज होती है। अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार प्लस फाइव टू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि नीचे जा रहा है मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है, मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो फिर प्लस फाइव डिग्रीज क्यों हो रही है, तो देखो प्लस फाइव डिग्रीज इसलिए हो रही है, इसका आंसर भी वही आ जाता है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर की वजह से क्या हो रहा है कि जो आर्सेनिक हो गया आपका, एंटीमनी हो गया, बिस्मत हो गया, इसमें शील्डिंग पुअर हो रही है, डी एंड एफ की वजह से शील्डिंग पुअर हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है किसके साथ में, न्यूक्लियस के साथ में, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है न्यूक्लियस का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, इस वजह से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से लूज नहीं करेगा एलिमेंट, इसी वजह से जो है प्लस फाइव ऑक्सीजन स्टेट हमारी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, और जो बिस्मत है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड बनाएगा जिसमें प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, वो आएगा बिस्मत पेंटाक्लोराइड BiF5, इसको छोड़ के ये कोई भी प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए इसका मतलब, मेन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट हमें मिलेगी, वो मिलेगी प्लस थ्री, जो कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी स्टेबिलिटी इसकी, बाकी सबकी स्टेबिलिटी क्या है टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। तो ये बात थी ऑक्सीजन स्टेट की, इसको हटाते थोड़ी देर के लिए। अब ऐसे समझो नाइट्रोजन की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो एक टर्म होती है कोवेलेंसी, कोवेलेंसी होता है कि कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है एक हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट, तो जो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी होती है, बाकी सब देखो पांच बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं लेकिन नाइट्रोजन अकेला ऐसा है जो कि पांच बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, प्लस फाइव ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है उसके बावजूद भी वो जो है पांच बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, वो क्यों नहीं कर सकता, फिर से कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। अब देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो 1s को तो छोड़ दो, आउटर मोस्ट को हम ड्रॉ करते हैं, तो देखो ये 2s हो गया और ये हो गया 2p, ठीक। इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे है, देखो 2s में दो इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने, तीन इलेक्ट्रॉन। अगर इसको पांच बॉन्ड बनाने हैं तो इसका मतलब ये क्या करेगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो जी चार बॉन्ड तो आसानी से बना लेगा बट पांचवा नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से हटा वो आगे इसके पास में डी नहीं है। जैसे अगर हम और बात करें फॉस्फोरस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 3s2 3p3 में जाएगा, इसका मतलब उसके पास 3d भी है जो कि खाली है, तो वो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जाके डी में पहुंच जाएगा, डी में पहुंच जाएगा तो 1 2 3 4 तो ये है, पांच भी वो हो जाएगा, तो वो पांच बॉन्ड फॉर्म कर सकता है लेकिन नाइट्रोजन जो है पांच बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, इसी वजह से इसकी जो कोवेलेंसी है वो मैक्सिमम 4 ही शो करेगा ये। अब देखो कैसे मैक्सिमम 4 शो करेगा वो हम बता देते हैं, थोड़े देर के लिए मानो कि इसने ऐसे कुछ नहीं किया, तो ये एटलीस्ट तीन जो है बॉन्ड बना सकता है आराम से, तो वो आपको एग्जांपल पता है अच्छे से NH3, इसमें क्या होता है देखो तीन हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और बाकी के जो दो एस वाले इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ऐसे लोन पेयर की फॉर्म में आ जाते हैं, तो यहाँ पे इतनी कितनी कोवेलेंसी दिखाई दी आपको, तीन। ऐसे मान लो अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, तो NH3 तो ऐसे बन गया, जो एक लोन पेयर है ये डोनेट कर देगा ये हाइड्रोजन को, इसी वजह से हमें क्या दिखता है ये NH4 पॉजिटिव के फॉर्म में मिलता है, या फिर ऐसे मान लो N2O5। तो देखो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन साइड निकालें नाइट्रोजन की, तो ऑक्सीजन का हमें क्यों पता है, हमें पता है ऑक्सीजन हमेशा -2 शो करता है, तो -2 ऑक्सीजन हो गई, कितने ऑक्सीजन है, पाँच है, मतलब -10 हो गई, और नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो -10, तो इसका हो गई, तो अगर बेसिकली हम बोले कि 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितनी शो करेगा +5, ठीक है, तो ये माइनस का इस पर 10 चार्ज आ जाएगा, इसमें प्लस का 10 चार्ज आ जाएगा, तो इस तरह से देखो उसने शो तो की, क्या चीज शो की, ऑक्सीजन स्टेट प्लस फाइव तक शो कर रहा है लेकिन जो कोवेलेंसी है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो कभी भी 4 से ज्यादा नहीं बनाएगा, बाकी सारे आराम से 4 से ज्यादा बना सकते हैं। इसलिए देखो क्वेश्चन आता है आपके पास में कि वाई नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड, पेंटाहैलाइड इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसके पास डी है ही नहीं, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड, क्योंकि उससे ज्यादा वो उसको जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से है उसको डी में पहुंचा नहीं पाएगा, तो कभी भी वो पेंटाहैलाइड मतलब पांच बॉन्ड वाला कोई भी कंपाउंड नहीं बना पाएगा। तो ये एक NCERT में भी क्वेश्चन है और एग्जाम का एक मतलब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये कि नाइट्रोजन शो दी ऑक्सीजन स्टेट ऑफ प्लस फाइव बट हाउ वेर इट डू नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड या फिर कोई भी पांच बॉन्ड वाला कंपाउंड। तो ये बात हुई पहली ऑक्सीजन स्टेट की। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन की जितने भी हम लोग अगर बात करें तो +1 से +4 तक ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन की क्या करती है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन को शो करती है। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है, तो कैसे होता है बताते हैं। ऐसे मानो हमारे पास है
नाइट्रस एसिड HNO2। तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक होके ये आपका बनाएगा आपका नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। बाकी देखो बैलेंस कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे 3 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हुआ हमारे पास अब नाइट्रोजन हो गया 3। अगर हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया यहाँ पे, और ऑक्सीजन कितना होगा 2, ये हो गए 1, ये हो गया 3 और 3 6, तो ये बराबर हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन भी देखो कितने हैं, 3 है, तो 2 और 1 3, राइट। तो अगर देखो अब ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन इसलिए है कि अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट निकाले तो कितना होगा, देखो 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन कितना होता है -2, 2 ऑक्सीजन का मतलब -4। हाइड्रोजन का हमेशा प्लस में होता है क्योंकि नाइट्रोजन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कितना हुआ देखो -4 + 1 कितना बचा 3, तो उसका मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट है वो है +3। अब HNO3 में निकाले नाइट्रिक एसिड में, तो देखो ऑक्सीजन कितने 3 है, मतलब कितना हुआ -6, एक हाइड्रोजन है तो -6 में एक प्लस कर देंगे तो कितना हुआ आपका -5, मतलब नाइट्रोजन क्या शो करेगा +5 कहाँ पे, नाइट्रिक एसिड में। उसके अलावा अगर हम बात करें देखो NO में, तो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन का कितना था -2, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना आएगा +2। तो यही हो गई डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन की, देखो एक बार नाइट्रोजन क्या हुआ ऑक्सीडाइज हो गया, एक बार नाइट्रोजन रिड्यूस हो गया। तो नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 से +4 तक, सारे के सारे कौन सी, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन को शो करते हैं। और ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होती है आपकी किसी एसिड के सॉल्यूशन में, तो अगर किसी को भी आप कोई भी नाइट्रोजन का कंपाउंड लेके एक एसिड के साथ में उसको करवा दोगे तो वो क्या करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन को शो करेगा। तो ये बातें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम किस पे आते हैं, अब हम आते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो कि नाइट्रोजन क्या है, अपने पूरे ग्रुप से कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जो कि पूरे ग्रुप से मिलती नहीं है, पूरे ग्रुप से अलग है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर टॉप हेडिंग में, जिसको हम बोलेंगे एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन या फिर एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। तो उसको हटाते हैं यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज को और लिख देते हैं यहाँ पे एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना कि एक दो प्रॉपर्टी हो सकता है कि आपको एग्जाम में कभी लिखने को आ जाए। तो पहली बात क्या बात करते हैं देखो नाइट्रोजन की, तो देखो पहली बात है छोटे छोटे पॉइंट में लिख देते हैं, इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है अगर हम पूरे ग्रुप से कंपेयर करें, ठीक है, आपको बताइए सबसे ऊपर का है तो सबसे छोटा साइज होगा इसका। दूसरी बात क्या है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, ये समझ लेना हाई का एरो बना हुआ है। तो साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, उसके अलावा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी हाई होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता ही है क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई है। और फोर्थ क्या है इसमें, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी एंड एफ सबशेल्स या फिर ऑर्बिटल्स कुछ भी लिख दो। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज है इसकी वजह से नाइट्रोजन का जो बिहेवियर है बहुत ज्यादा अलग हो जाता है अपने और जो है साथी के जो भी मेंबर्स हैं इनके 15 ग्रुप के उसमें, क्योंकि साइज बहुत छोटा है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है, इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज्यादा ये बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करेगा। और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी एंड एफ सबशेल, इसकी वजह से क्या होगा ये अपना जो है कोवेलेंसी है वो कभी भी 4 से ज्यादा नहीं कर पाएगा, 5 नहीं कर पाएगा, जबकि बाकी सारे के सारे जो है 5 बॉन्ड्स बना सकते हैं, ये बात हो गई। उसके अलावा देखो एक और खास बात इसमें क्या है, जो हम पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट को, एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई पी पाई बॉन्ड्स। ये क्या मतलब हुआ, देखो पी पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या है यार, जैसे कि रुको यार ऐसे ही बता देते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, ट्रिपल बॉन्ड मैंने आपको बताया था कि एक सिग्मा होता है और कितने होते हैं 2 पाई होते हैं। तो अब अगर हम इसका फिर से कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होता है, लास्ट में क्या होता है 2s2 2p3, मतलब जो पी है हमारे ऑर्बिटल्स उसमें क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है तीनों में। तो अगर मैं इसका देखो पी बनाऊं, तो अगर मैं नाइट्रोजन की देखो पी बनाऊं, तो एक तो पी एक्स पे होता है ऐसे बन जाएगा, एक पी वाई पे होता है और एक पी होता है जेड पे, जो कहीं ऐसे बनेगा। तो ये वाला जो है पी, एक यहाँ पे मतलब दूसरा नाइट्रोजन बना दिया मैंने, ठीक है, इस पे भी एक ये पी होगा, एक ऐसे पी होगा और एक ऐसे जेड पे होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों हेड ऑन हेड और ओवरलैप करेंगे, इसकी वजह से बनेगा सिग्मा बॉन्ड। बाकी ये वाले क्या करेंगे, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और ये भी जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे।
तो उसी वजह से क्या होगा आपका कि एक सिग्मा दो पाई बन जाएंगे, और पाई कैसे बन रहे हैं, पी और पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पी पाई पी पाई बॉन्ड। ये और किसी में पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप देखो कभी भी फॉस्फोरस ट्रिपल बॉन्ड फॉस्फोरस आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ नाइट्रोजन ही ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है और कोई नहीं बना पाएगा इनमें से ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि बाकी सबका क्या होता है, साइज बड़ा हो जा रहा है। तो साइज बड़ा होगा तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है एक दूसरे के नज़दीक हैं ये, इसकी वजह से एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो ये अकेली खास बात इसी में है कि ये पी पाई बॉन्ड्स बना सकता है, और इसके अलावा कोई भी जो है ऐसा वो ट्रिपल बॉन्ड शो नहीं करता है। उसी की वजह से देखो एक और रिजल्ट क्या हुआ इसका, कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया मॉलिक्यूल। ठीक, अच्छा दूसरी बात क्या हुई कि इसका एक देखो नुकसान भी है, फ़ायदा तो ये हुआ कि इसने आपस में बॉन्ड बना लिया। नुकसान क्या है कि दोनों क्या नाइट्रोजन के एटम है, दोनों छोटे छोटे हैं तो बिल्कुल पास में है, तो आप पास में है तो एडवांटेज ये हुआ कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो गए। डिसएडवांटेज क्या हुआ कि भाई दोनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक दूसरे को रिपल करेंगे, इसका मतलब इसके बीच का क्या रिपल्शन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अगर मैं देखो बहुत ध्यान से समझना ये बात, इसको हटा देता हूँ, ये जो मैंने अच्छी सी बहुत ही अपनी डिज़ाइन बनाई है तो इसको हटाते हैं यहाँ से। अगर मैं बात करूँ कि एक सिंगल बॉन्ड कंपेयर करूँ स्ट्रेंथ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड और एक फॉस्फोरस फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड, तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन। भले यहाँ पे देखो साइज छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा साइज छोटा होने की वजह से क्या रिपल्शन भी ज़्यादा है। और इसका अब जो एक्चुअल नुकसान आया वो ये आया कि भाई साहब ये कैटेनेशन नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा कार्बन करता है कैटेनेशन, खूब सारे मल्टीपल सी 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 ऐसे एक लंबी सी चेन बना लेता है, क्योंकि कार्बन क्या है जस्ट इसके एक पहले वाला एलिमेंट ही तो है नाइट्रोजन से पहले वाला। ठीक, तो वो कैटेनेशन शो करता है क्योंकि वहाँ पे जो सी और सी बॉन्ड में आपस में इतना रिपल्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि साइज छोटा है, उसकी वजह से क्या होगा कि एक दूसरे को ये रिपेल भी करते हैं, तो ये मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकते, ये एक नाइट्रोजन हो उससे दूसरा कनेक्ट हो जाए उससे तीसरा कनेक्ट हो जाए, तो ऐसा इनके पास पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो अजाइड भी होता है N3 वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो भी बहुत कम होता है, मतलब उससे ऊपर आप कभी भी नहीं देखोगे नाइट्रोजन को एक साथ। तो ये उसका नुकसान हो गया पी पाई बॉन्डिंग का। उसके साथ साथ ये पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग भी शो कर सकता है, मतलब खुद का ये पाई ऑर्बिटल किसी के डी के साथ भी ओवरलैप कर सकता है। ये आप लोगों को मैंने दिखाया था, अगर आपको याद हो तो कार्बोनिल की बॉन्डिंग जो दिखाई थी मेटल के साथ में, वहाँ पे दिखाया था कि एक का पी और दूसरे का डी ओवरलैप कर रहे थे। तो अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि इसके पास एबिलिटी है पी पाई बॉन्ड फॉर्म करने की, जिसकी वजह से ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है खुद से। लेकिन नुकसान क्या है कि मॉलिक्यूल का साइज छोटा है या फिर एटम्स का साइज छोटा है, और ऑर्बिटल्स जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसकी वजह से ये कैटेनेशन को शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात हो गई सारी एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन की। तो अगर आपने ये आराम से चार पांच प्रॉपर्टी पता हो गई आपको, तो आराम से अगर तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता तो लिख सकते हो कि साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, और ये सारी की सारी क्या है, इन सारे एलिमेंट से अलग है। ठीक, तो इसको हटाते हैं। अब देखो कुछ और रिएक्टिविटीज वगैरह लिख लेते हैं इसकी अलग अलग चीज़ों के साथ में, कौन से ग्रुप 15 की। तो फर्स्ट लिखते हैं रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। तो अगर हम हाइड्रोजन के साथ में इनको रिएक्शन कर पाएं तो देखो क्या बनेगा। तो बहुत सिंपल सा, देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन कर पाएंगे तो अमोनिया बन जाएगा NH3। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, PH3 बन जाएगा। उसके बाद में क्या बन जाएगा, ASH3। उसके बाद में क्या बन जाएगा आपका, SBH3। और लास्ट में क्या बन जाएगा, बिस्मथ हाइड्राइड, तो BiH3। ठीक है, तो ये सारे के सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हाइड्राइड। अब हाइड्राइड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दो तीन चीज़ों की हम जो बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेबिलिटी। तो वो स्टेबिलिटी क्या होगा कि हाइड्राइड स्टेबल का मतलब क्या है कि जिनका बॉन्ड लेंथ जितनी शॉर्ट होगी उतने ही आपको मुश्किल होगी उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, और इसका मतलब उतने ही वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो नाइट्रोजन सबसे छोटा है, इसका मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ भी सबसे छोटी होगी, और उतना ही मुश्किल पड़ेगी हमें उस बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो NH3 सबसे ज़्यादा होगा, राइट, फिर PH3 होगा, फिर ऐसे ही ASH3 होगा, फिर ऐसे ही SB वाला हाइड्राइड होगा, और लास्ट में बिस्मथ वाला होगा। ठीक है, तो ये क्या बात हो गई, ये बात हो गई हमारी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। दूसरा है रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर। तो रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब क्या, उससे पहले ये समझो रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन आपको पता है, किसी भी चीज़ को आप हाइड्रोजन दे दो तो उसका रिडक्शन हो जाता है। तो इनमें से कौन सा हाइड्रोजन जल्दी रिलीज कर सकता है, जितनी जल्दी हाइड्रोजन रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग करेक्टर होगा। रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड हमको पता है स्टेबिलिटीज की सबसे कम है, तो ये वाला बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक होगा। इसका मतलब बिस्मथ हाइड्राइड जो है सबसे इजीली हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकता है किसी और के लिए।
तो जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो सबसे ज़्यादा बिस्मथ हाइड्राइड का होगा, BiH3, फिर उसके बाद में SbH3, फिर AsH3, फिर PH3 और फाइनली आपका अमोनिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की बात करें, बेसिक करेक्टर, तो बेसिसिटी में ऐसे समझो यार कि देखो यहाँ पे जो हम क्या बोलते हैं कि एसिड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एसिड क्या करते हैं, एचआयन डोनेट करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे इजीली कौन दे पा रहा है, सबसे इजीली हाइड्रोजन दे पा रहा है आपका बिस्मिथ, और सबसे मुश्किल से कौन दे पा रहा है, अमोनिया। तो अमोनिया क्या होगा, बेसिक ज़्यादा होगा, नहीं ऐसा समझ में, तो उल्टा समझ लो, अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एसिडिटी लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो ये सबसे कम एसिडिक होगा। तो अगर हम इसका उल्टा कर दें तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हुआ हमारा, अमोनिया। तो बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा हाई किस में होगा, अमोनिया में, फिर PH3, फिर आपका ASH3, फिर SbH3 और फिर BiH3। ठीक है, तो ये होगा ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर, एसिडिक आएगा तो जैसा आप इसका उल्टा लिख दोगे। चलो तो अब उसको हटाते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो उन सबको यहाँ से हटा देते हैं और ये भी हटाते हैं रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन से रिएक्शन होने के बाद ये सारे के सारे बनाते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड दो तरीके के बनाते हैं, एक तो बनाते हैं देखो ये E2O3 एंड E2O5, ई मतलब कोई भी एलिमेंट, तो ये दो तरह के बन गए E2O3 और E2O5 की तरीके। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो हो जाएगा आपका वो N2O3 एंड N2O5। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर देखो कैसे होते हैं वो बताते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको लूँ या फिर इसको लूँ और इसको वाटर में कर दूँ डिजोल्व, ठीक है, तो जो बनेगा वो एक एसिड बनेगा। देखो कैसे बनेगा दिखाते हैं, जैसे कि ये इसी को लेते हैं N2O3, इसको हमने क्या किया वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दी, तो जो बनेगा वो देखो क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपका HNO2 नाइट्रस एसिड। तो वो रिएक्शन बैलेंस हो गई, दो हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन कंप्लीट होगा, दो नाइट्रोजन से दो नाइट्रोजन कंप्लीट होगा, ऑक्सीजन कितने थे 3 और 1 4, वो हो गए 4 बराबर। अगर हम इसी को ऐसे N2O5 को देखो वाटर में डिजोल्व करें, N2O5 प्लस वाटर, तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा आपका HNO3। फिर से भाई 2 लगा देते तो वो रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस, नाइट्रोजन 2 से नाइट्रोजन 2 कंप्लीट होगा, ऑक्सीजन 5 और 1 6 से ऑक्सीजन 6 कंप्लीट होगा। तो आपने क्या देखा इसमें कि दोनों को हमने जैसे ही वाटर में डिजोल्व किया तो उन्होंने क्या करा, एसिड को फॉर्म किया, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे हैं, एसिडिक हैं। अब एसिडिक में भी देखो क्या है कि जो है ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ऑक्सीजन 5 है, मतलब 5 का हम लगाएंगे तो एक ऑक्सीजन का होता है -2 चार्ज, तो -10 चार्ज, -10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका निकल के 5। तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट है नाइट्रोजन की वो है +5, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट है नाइट्रोजन की वो है +3। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हायर ऑक्सीडेशन वाला जो हमारा ऑक्साइड है वो ज़्यादा एसिडिक है। तो देखो वो आपको दिख रहा है, ये वाला जो नाइट्रोजन है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ये वाला जो शो कर रहा है वो +3 कर रहा है, तो +5 वाला ज़्यादा अच्छा एसिड बना रहा है। इसका मतलब कि ये वाला जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमारा ऑक्साइड है वो ज़्यादा एसिडिक है नेचर में। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, हायर ऑक्सीडेशन वाला ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक है नेचर में। अब जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो हमारा मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक करेक्टर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो एसिडिक नेचर है ऑक्साइड्स का वो कम होगा। तो एसिडिक नेचर कम इसलिए होगा कि जो मेटल्स होते हैं, अगर हम उनके ऑक्साइड्स की बात करें, अगर आपने 11th क्लास में एस ब्लॉक में पढ़ा होगा, जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं बेसिक। बेसिक इसलिए होते हैं कि अगर हम उनको वाटर के साथ में ट्रीट करें तो जैसे यहाँ पे एसिड बन रहा है ना, वहाँ पे क्या बनता है, बेस बन जाता है। तो या फिर मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं उनको हम लोग क्या करें, अगर उनको एक एसिड के साथ में ट्रीट करें तो वो सॉल्ट्स बना लेते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट बनता है, इसका मतलब मेटल के ऑक्साइड बेसिक जो बिहेवियर को शो करते हैं। तो वही हमें यहाँ पे पता है कि हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, इसका मतलब जो एसिडिक करेक्टर है ऑक्साइड्स का वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन में इतनी ही बात थी और ये था हमारा पॉइंट नंबर 2, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं और इसको इरेज करते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्टिविटी विद हैलोजन, हैलोजन, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3rd। तो यहाँ पे हैलोजन के साथ भी ये दो तरह के हैलाइड्स बनाएगा, एक बनाएगा EX3 काइंड ऑफ, एक बनाएगा EX5। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो आपका वही है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन विल नॉट फॉर्म EX5 काइंड ऑफ, हैलोजन है तो हम लोग क्या बोल देंगे, इनको हम लोग बोलेंगे हैलाइड। तो जो EX5 मतलब
NCl5 कभी नहीं बनेगा नाइट्रोजन में, क्यों? बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल. ठीक है, या फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल लिखोगे तो भी चलेगा. तो क्या है कि डी ए और एफ ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से नाइट्रोजन सिर्फ NX3 मतलब NF3 NCl3 वगैरह NF3 वगैरह दिखाएगा, बट NF5 काइंड ऑफ जो हैलाइड है वो नहीं बनाएगा. कौन? नाइट्रोजन. पहली बात तो ये कोई, दूसरी बात देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन के फॉर्म में आता है कि वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड बट इट फॉर्म ट्राईहैलाइड. तो आप वही बता दोगे कि डी इसमें नहीं है, इस वजह से नहीं बना. कैसे होता है देखो, पहले भी आपको पहले भी बताया था. दूसरी पॉइंट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, वो ये है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेंटाहैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहैलाइड्स. अब देखो इसका मतलब क्या है कि देखो जब भी पेंटाहैलाइड बनेंगे तो हमें क्या पता है कि एस पी और डी तीनों को हमें लेके करना पड़ेगा इन्वॉल्व. अगर आप लोगों को याद हो तो देखो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन हम डी में पहुंचा देंगे, पी में ऑलरेडी तीन है, तो आपके टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 आके उनसे बॉन्ड बना लेंगे तो बन जाएगा पेंटाहैलाइड. ट्राईहैलाइड के केस में क्या होगा कि जो एस ऑर्बिटल है वो एज इट इज रहेगा, जो पी के तीन ऑर्बिटल है उनमें एक एक, एक जो है इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा हमें और वो बना लेगा एक ट्राईहैलाइड. तो ट्राईहैलाइड के केस में सिर्फ और सिर्फ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, जबकि पेंटाहैलाइड के केस में 5 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं. तो दैट इज वाई जो हमारा पेंटाहैलाइड है दैट इज मोर कोवेलेंट इन नेचर. तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है वाई पेंटाहैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहैलाइड्स. आप बस ये बता देते हो कि पेंटाहैलाइड्स में क्या हो रहा है कि आपका एस पी डी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जो है आपके 5 इलेक्ट्रॉन एस एस में डिवाइड हो जा रहे हैं और इस वजह से जो है 5 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. ट्राईहैलाइड्स में क्या हो रहा है कि एस वाला जो ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ पी ले रहा है, तो वो वहाँ पे क्या है उतना कोवेलेंट करेक्टर उसके अंदर नहीं है. तो दूसरी बात ये हो गई पेंटाहैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहैलाइड्स. ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो क्या है इसका. तो अगर हम ट्राईहैलाइड्स की बात करें नाइट्रोजन में, तो NF3 को छोड़ के कोई भी ट्राईहैलाइड नाइट्रोजन के लिए स्टेबल नहीं है, और बाकी सारे एलिमेंट्स के जो है यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेप्ट NF3 ऑल ट्राईहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल. अनस्टेबल इसलिए भी क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का क्या साइज उससे भी छोटा है, तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन आराम से बॉन्ड बना लेते हैं, बट बाकी के जो है उनके साथ में जो है नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है. तो इसका क्या है कि अगर हम देखो और किसी के भी ट्राईहैलाइड देखेंगे, जैसे PCl3 देखेंगे, AS3 देखेंगे, SB3 देखेंगे, Bi3 देखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे. सिर्फ नाइट्रोजन के केस में क्या है, एक ही ट्राईहैलाइड बनाएगा, वो बनाएगा NF3 और वही स्टेबल होगा, बाकी कोई भी स्टेबल नहीं होगा. और उसके अलावा एक और बात है कि जितने भी ट्राईहैलाइड्स बनेंगे या पेंटाहैलाइड बनेंगे सारे के सारे कोवेलेंट होंगे नेचर में, सिर्फ और सिर्फ BiF3 को छोड़ के. तो फिर से यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्सेप्ट BiF3 ऑल ट्राईहैलाइड्स आर कोवेलेंट. तो BiF3 ऐसे भी है क्योंकि यार ये देखो उसका साइज बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और फ्लोरीन आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है. तो यही है जो इकलौता आयनिक होगा, बाकी सारे के सारे ट्राईहैलाइड कैसे होंगे, कोवेलेंट होंगे नेचर में. तो ट्राईहैलाइड जल्दी से देख लेते हैं, मतलब ओवरऑल हैलोजन से रिएक्शन देख लेते हैं जल्दी से. दो काइंड ऑफ बनाएगा EX3 EX5. नाइट्रोजन जो है वो EX5 कभी नहीं बना पाएगा क्योंकि उस पर डी नहीं है. और उसके बाद में क्या हमने पढ़ा कि जो पेंटाहैलाइड्स हैं वो ज़्यादा कोवेलेंट है क्योंकि वहाँ पे 5 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, और जो ट्राईहैलाइड है उसमें सिर्फ और सिर्फ पी इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, एस और डी पार्ट नहीं ले रहे, तो वो कम कोवेलेंट होंगे. NF3 को छोड़ के नाइट्रोजन का कोई भी ट्राईहैलाइड स्टेबल नहीं होगा, और सारे के सारे ट्राईहैलाइड्स कोवेलेंट होंगे सिर्फ BiF3 को छोड़ के. तो ये बात थी हमारी थर्ड पॉइंट, रिएक्टिविटी विद हैलोजन. अब इसके बाद में इसका लास्ट पॉइंट देखो और डिस्कस करते हैं, वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल. तो ये फोर्थ हो जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ पे. ये हुआ हमारा फोर्थ पॉइंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स. तो अगर हम इसकी मेटल्स के साथ में रिएक्शन करवाएं तो कैसे काम होगा. ठीक है, तो मेटल्स के साथ में जब भी हम रिएक्टिविटी करवाएंगे तो हमारा बनेगा बाइनरी कंपाउंड. बाइनरी कंपाउंड मतलब कि दो एलिमेंट्स का कंपाउंड, मतलब एक हमारा क्या रहेगा, मेटल रहेगा, और एक इनमें से कोई भी एलिमेंट रहेगा. और जो मोस्टली, अब देखो आपको क्या पता है कि मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं. और ये स्टार्टिंग के जो उसके मेंबर हैं वो कैसे हैं, नॉन मेटल हैं या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेंगे. तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो -3 ज़्यादा शो होगी. ठीक है, तो -3 ज़्यादा शो होगी, तो जैसे आप बना लेते हैं कुछ कंपाउंड्स, जैसे कि मान लो आपका ये CA3 इसका N2, या फिर ऐसे CA3P2. अब देखो यहाँ पे भी देख लो कैल्शियम का, हमें बताया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 6 कैल्शियम होगा तो मतलब +6 हुआ,
तो नाइट्रोजन का ऑब्वियसली कितना हो जाएगा -3। ऐसे देखो यहाँ पे भी ये हो रहा है। तो उसका देखो नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ट्राई कैल्शियम डाई नाइट्राइड। तो यहाँ पे जितने भी हम लोग क्या करते हैं नॉन मेटल्स और मेटल का जब भी कभी बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मेटल का नाम एज इट इज रहने देते हैं और जो नॉन मेटल वाला पार्ट है उसमें लास्ट में IDE लगा देते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, ट्राई कैल्शियम डाई नाइट्राइड, ऐसे ही ट्राई कैल्शियम डाई फॉस्फाइड। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपके और भी यहाँ पे कंपाउंड बन जाएंगे, वो आप बुक से देख लेना। तो ये क्या था, एक जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज थी हमारे ग्रुप 15 की। अब इसके बाद में एक्चुअली जो हम पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल तो ऐसा करते हैं इसमें ज़्यादा आप आगे नहीं चलते, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। तो ये आपने क्या देख लिया, ओवरऑल रिएक्शंस देख ली जो हमारा ग्रुप 15 देने वाला है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप 15 के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, जैसे कि हम N2 गैस डाइनाइट्रोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, अमोनिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, या फिर जो है नाइट्रोजन के और ऑक्साइड्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इसमें एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि वाई PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो PH3 है, मतलब फॉस्फोरस वाला हैलाइड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है NH3 से कम क्यों है। तो देखो भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो आपको पता है कि इसको बॉइल करने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके ये बॉइल होगा। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू PH3। बस ये इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बाकी जो बहुत सारे क्वेश्चन बीच बीच में NCERT के आए हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको इसमें पढ़ाते पढ़ाते ही एक्सप्लेन कर दिया है। और एक और क्वेश्चन है कि वाई इसी का है, BiH3 ये जो मॉलिक्यूल है इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कि अगर हम पूरे में सारे हाइड्राइड कंपेयर करें तो BiH3 एक क्या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऐसा क्यों है? तो देखो वो भी मैंने आपको बता दिया था कि ये सबसे बड़ा इसका क्या रहेगा, BiH3 का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा। साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा कि जो इसका जो BiH3 और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो आसानी के साथ ब्रेक हो सकता है। जब आसानी के साथ ब्रेक हो सकता है तो ये किसी को भी हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकता है, और किसी को भी हाइड्रोजन प्रोवाइड करने का मतलब होता है उसको रिड्यूस करना। ठीक, तो इसलिए BiH3 क्या है, हमारे पास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ग्रुप 15 का। तो ये भी एक क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार ये भी हो गया। तो फिलहाल गाइस ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे ही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो भी इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं ग्रुप 15 के उनको कवर करेंगे, फिर ऐसे ग्रुप 16, 17, 18 सबको धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। ये फर्स्ट वीडियो था यार, तो देखो उसमें बहुत सारा एक्सप्लेन करना था, तो इसलिए इसमें एक्चुअली इतने टाइम में ज़्यादा पोर्शन एक्चुअल चैप्टर का कवर नहीं हो पाया। तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि अब जब हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि ये सारे टर्म्स अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने पड़ेंगे कि साइज़ क्यों बढ़ रहा है, साइज़ क्यों कम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब हमें दोबारा एक्सप्लेन नहीं करनी है, तो आगे के जो ग्रुप्स आएंगे वो काफ़ी जल्दी जल्दी हम लोग उसको लेके चल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर हमारे फेसबुक पेज पे लिख दीजिए, और मैं कोशिश करूँगा सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करूँ। और दूसरी बात देखो यार, ये हो रहा है कि एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और करना भी चाहिए आप लोगों को। अभी क्या हो रहा है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और बहुत सारे कमेंट्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि यार कभी कभी कुछ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और मल्टीपल रीजंस की वजह से मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग यूट्यूब पे तो अपने कमेंट लिखिए, साथ साथ फेसबुक पे भी लिख दीजिए, फेसबुक पेज है जो हमारे चैनल का, लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो एटलीस्ट अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो शायद कोई और आपको रिप्लाई करेगा। तो थोड़ा सा आपस में ही अब इस तरह का आप नेटवर्क बनाइए ताकि जहाँ पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, क्योंकि नंबर ऑफ कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यार, और अकेले इतना सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं हमेशा की तरह देखो कोशिश करूंगा आप सब लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, आपके क्वेश्चन के आंसर देने का, कमेंट्स का रिप्लाई करने का। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा ऐसे करो कि जो आपके क्वेश्चन है वो फेसबुक पे भी डालो, और लोगों को मैं अपनी साइड से इनकरेज करता हूँ, आप भी लोगों को बोलो कि अगर आपको क्वेश्चन का रिप्लाई आता है, आंसर आता है, तो आप उसको प्लीज़ उन लोगों को जरूर शेयर करें सबके साथ। इस साथ में इस वीडियो को अभी फिलहाल के लिए फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो विल बी डेफिनेटली अपलोडेड सून। तो अगेन गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ, एजुकेट अदर्स टू, आई सी यू गाइज माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।